कक्षा 12वीं में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर 2 हमने 11 में पढ़ा है कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, जैसे साइन एक्स है, टेन एक्स है, कॉस एक्स है, ये सब क्या है आपके त्रिकोणमितीय फलन है। वाई इज इक्वल टू साइन एक्स की जब मैं बात करती हूँ तो ये एक त्रिकोणमितीय फलन है। इसमें एक्स की जैसे जैसे वैल्यू में रखते जाऊंगी वैसे ही साइन एक्स की अलग अलग वैल्यू आपको मिलते जाएगी, तो ये त्रिकोणमितीय फलन हो गया। अब साइन एक्स की जब मैं बात करूँ यहाँ पर, तो साइन के लिए चूंकि फलन है तो उसका एक डोमेन होता है, इसका डोमेन होता है आर, आर से माइनस वन से इसका जो रेंज होता है वो माइनस वन से वन की ओर होता है। तो यहाँ पर इसका जो डोमेन का मतलब ये होता है कि किसी भी फंक्शन में जैसे जैसे हम एक्स की जो वैल्यू के लिए ये फंक्शन परिभाषित होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन, उस सबके समुच्चय को हम क्या बोलते हैं डोमेन। तो जैसे मान लेते हैं कि एक फलन है आपका यहाँ से एक्स से वाई के ओर, तो ये जो एक्स हो गया फलन है, एक्स उसका डोमेन हो गया, वाई उसका कोडोमेन हो गया है। यहाँ पर डोमेन मतलब एक्स के जितने भी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे उसके लिए अगर ये फंक्शन परिभाषित होता है तो उसके समुच्चय को ही हम डोमेन बोलते हैं। और एक्स की उन वैल्यू को रखने के बाद एफ एक्स की जो वैल्यू मिलती है, जितनी भी इमेज मिलती है, उन सबके समुच्चय को ही हम क्या बोलते हैं उसका रेंज कहते हैं। रेंज मतलब पूरे जितने भी ये जो एक्स फलन है उसके जितने भी इमेज मिलेंगे उसके समुच्चय को हम क्या बोलेंगे रेंज बोलेंगे यहाँ पर। तो ये जो रेंज होता है कोडोमेन का सबसेट भी हो सकता है और कई बार ये कोडोमेन के बराबर भी होता है। कोडोमेन और रेंज कब बराबर होते हैं, जब फंक्शन आपके वन वन और ऑन टू होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो ये जो साइन जो फंक्शन है उसमें इसका जो डोमेन है ये आपका रियल नंबर का सेट होता है और उसका जो रेंज होता है वो माइनस वन से वन क्लोज इंटरवल में रहता है। माइनस वन और वन भी इसमें इंक्लूड है और उनके बीच की जितनी भी संख्याएं हैं ये सब है इसमें। तो ये जो है ये इसका रेंज हो गया, मतलब इसके अलावा और कोई भी साइन की वैल्यू आपको नहीं मिलती, माइनस वन, वन और उसके बीच की सभी संख्याएं। तो यहाँ पर उसी प्रकार कॉस में वही रहता है, कॉस में भी जो डोमेन होता है वो रियल नंबर का सेट रहता है आपका और इसमें भी जो रेंज होता है वो माइनस वन से वन की ओर होता है। तो और उसके बाद जब मैं टेन की बात करती हूँ तो टेन जो फंक्शन रहता है उसमें जो हमको मालूम है कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये जो है कॉस थीटा जब ज़ीरो हो जाएगा तो टेन आपका क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पर हर को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो हर कब ज़ीरो होगा जब कॉस थीटा आपका ज़ीरो हो गया। कॉस थीटा में थीटा की ऐसी वैल्यू जिसके लिए कॉस की वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है वो कौन सी रहती है, तो कॉस की वैल्यू कब कब ज़ीरो होती है पाई बाय टू पर जितनी भी वैल्यू रहती है ना आपकी। कॉस की वैल्यू कहाँ कहाँ आपकी ज़ीरो रहती है, कॉस पाई बाय टू, कॉस थ्री पाई बाय टू, तो इसी तरीके से पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो पाई बाय टू के जितने भी ऑड मल्टीपल हैं, टू एन प्लस वन ऐसा लिख सकते हैं इसको, इन सभी के लिए कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर ज़ीरो रखती हूँ तो ये कितना होता है पाई बाय टू, वन रखती हूँ यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा आपका फाइव बाय टू, और यहाँ पर इसी तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे हम इसे यहाँ पर और अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी आपकी। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर टू रखेंगे दो दुनी चार और एक मिल गया पाँच फाइव बाय टू, तो इस सब वैल्यू में कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। तो टेन की वैल्यू जो होती है इन वैल्यू पर अपरिभाषित हो जाती है। तो टेन का जो कोडोमेन होगा वो रियल नंबर का सेट होगा लेकिन उसमें से आपको वो संख्याएँ हटानी पड़ेगी, वो संख्या रहेगी आपकी टू एन प्लस वन पाई बाय टू। पाई बाय टू के जितने भी ऑड मल्टीपल हैं उन सब के लिए टेन परिभाषित नहीं है, उसको आपको हटाना पड़ेगा रियल नंबर के सेट से, एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये हो गया, ये पूरा जो हो गया इसका डोमेन हो गया, ये जो टेन फंक्शन का ये डोमेन हो गया। और इसका जो रेंज होता है वो होता है रियल नंबर का सेट। इसी तरीके से आ जाते हैं यहाँ पे जैसे हम अलग अलग वैल्यू रखते गए अब वैसे ही रखेंगे। अब कॉस साइन कॉस और टेन, उसके बाद आता है कॉट ले लेते हैं।
तो कॉट के लिए भी रियल नंबर का सेट ही इसका डोमेन नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी वैल्यू रहेगी जिस पर कॉट जो है आपका परिभाषित नहीं है, ये सब हम पढ़ चुके हैं 11 में। तो वो कौन सी वैल्यू हो सकती है? कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका? तो यहाँ पर कॉट जो होगा, कॉट हमको मालूम है कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू जब जीरो होगी तो कॉट जो है उन वैल्यू के लिए अपरिभाषित हो जाएगा। तो थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए साइन आपका जीरो होता है? तो ऐसी बहुत सारी वैल्यू है। थीटा जो होता है एन पाई पर साइन की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी? जीरो हो जाती है। जीरो पर, पाई पर, टू पाई पर, थ्री पाई पर, इधर पर आपका माइनस पाई पर, माइनस टू पाई पर, ये सब में जो होता है आपका साइन की वैल्यू जो होती है आपकी जीरो जाती है। तो इसको हम कंबाइंड में ले सकते हैं कि जितने भी एन पाई के जितने भी इंटीजर मल्टीपल हैं उसके लिए साइन की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी? जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर आपको कॉट का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर का सेट नहीं होगा। रियल नंबर का सेट में कुछ चीज़ें आपको हटानी पड़ेगी। वो क्या है आपका? उसमें आपको हटाना पड़ेगी बहुत सारी अनंत संख्याएं, वो है आपकी एन पाई, जहां एन जो है बिलोंग करता है, ये है आपका सेट ऑफ इंटीजर, और इसका जो डोमेन होता है कॉट का जो डोमेन ये हो गया, और रेंज जो होता है आपका रियल नंबर का सेट होता है। उसके बाद आ जाता है अपना सेक की बात करते हैं। तो सेक में भी वही चीज़ हो गया आपका, सेक में भी सेम वही चीज़, वन बाय कॉस होता है। वन बाय कॉस मतलब यहाँ पर पाई बाय टू के जितने भी आपके यहाँ पर ऑड मल्टीपल हैं उसके लिए वो जो होगा परिभाषित नहीं होगा, उसको हटा देंगे। तो इस तरीके से इसको हम तब पूरा लिख लेंगे और बना लेंगे कि कॉस और साइन और टेन सबका डोमेन और रेंज क्या क्या होता है। ये सब पुरानी चीज़ें हैं जिसको हम रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हम इन्वर्स फंक्शन की ओर जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि साइन इज इक्वल टू साइन, जो साइन फंक्शन रहता है उसका जो डोमेन रहता है वो आर रहता है, और उसका जो रेंज रहता है माइनस वन टू वन रहता है। इस तरीके से कॉस का भी हो गया, सेक का हो गया, और हमने यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि कॉजिक और कॉट का भी। कॉजिक में भी वही है, कॉजिक क्या हो जाता है आपका? वन बाय साइन, मतलब साइन जहाँ जहाँ आपका जीरो रहेगा उसके लिए कॉजिक जो होगा आपका परिभाषित नहीं होगा। मतलब एक्स बराबर एन पाई को आर सेट में से हटाना पड़ेगा, तब उसका डोमेन बनेगा। तो इस तरीके से अब हम ये देखते हैं कि वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का हम ग्राफ जानते हैं, इस तरीके से ग्राफ खींचते हैं उसका। अब हम ये देखेंगे कि क्या साइन एक्स के इन्वर्स का भी अस्तित्व है कि नहीं। तो यहाँ पर किसी भी फंक्शन के इन्वर्स का अस्तित्व होने के लिए ज़रूरी है कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए, वो फंक्शन आपका वन वन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। वो तभी इन्वर्टिबल होगा, उसके इन्वर्स का अस्तित्व तभी होगा जब वन वन और ऑन टू हो। तो साइन एक्स के भी इन्वर्स फंक्शन का मतलब वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है, जिसका उल्टा हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स वाई। तो जो भी है साइन फलन के इन्वर्स फंक्शन का आपका अस्तित्व है कि नहीं उसको देखना है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि साइन एक्स जो है वन वन है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है, ज़ीरो पर ज़ीरो, पाई बाय टू पर वन, इसका जो रेंज है हमको मालूम है वन से माइनस वन के बीच में होता है। ये जो है आपके वाई अक्ष में जो है आपके एफ एक्स के मान लेते हैं हम यहाँ पर, और एक्स अक्ष में हम एक्स के मान लेते हैं। पाई बाय टू पर इसकी वैल्यू वन होती है, पाई पर ज़ीरो, फिर थ्री पाई बाय टू पर आपका माइनस वन हो गया, इस तरीके से इसकी वैल्यू जा रही है। तो हम यहाँ देखेंगे कि एक्स की बहुत सारी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है आप?